कौन सा लेक्चर कवर है इसका भाई? अंदरवा गवर्नेंस का 13वां होगा यार, देख लो चौथा लेक्चर होगा गवर्नेंस। एक मिनट चेक कर लो फटाफट, गवर्नेंस कौन सा था भाई? गवर्नेंस तेरह डाल रखे हुए ना। हाँ तो उसमें पीपल पार्टिसिपेशन जन सहभागिता, तो कोई बात नहीं, उसके अंदर ही मैंने दोनों पढ़ा रखे एक साथ, एक वीडियो के अंदर दो ही। देख लो चुप हो जाओ बात ना करो, आज गवर्नेंस के अंदर लेक्चर नंबर 14 और हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया। हेलो, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया, यानी आज हम पढ़ेंगे मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया। मीडिया की क्या भूमिका? मीडिया की भूमिका, कुछ नहीं होने वाला सुन लो। अच्छा मीडिया की भूमिका, हेलो जब मीडिया की बात करते हैं ना आज सुन लो, रोल ऑफ मीडिया। पहले बात कर लो, मैं कैमरा ऑफ कर लो, बात कर लो, फोन कर दियो। तो बात मत बताओ, समझ लो। एक जमाना था लोग डाक घर का उपयोग किया करते सूचना को भेजने के लिए। कहीं अगर सूचना भेजनी होती थी ना, और मुझे तो इससे पहले ये भी सूचना मिली कि सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कबूतरों का सहारा लिया जाता था, तो मैं उस जमाने का आदमी हूँ। हाँ हाँ रियलिटी बात है, वो बात अलग, वो वनस्पति विज्ञान पढ़ा, सुन पक्षी जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, सुन लो। दूसरे नंबर पर अब सवाल है कि मीडिया कहते कि सर मीडिया का काम क्या हो? आज हम कुछ बहुत सारे सवालों के सवाल जवाब ढूंढेंगे, मीडिया कहते कि सर और मीडिया का काम क्या हो, दूसरा मीडिया को किस तरह कार्य करना चाहिए, और वर्तमान मीडिया के अंदर वर्तमान मीडिया कर क्या रहा, और इसकी समस्या क्या क्या हमारे वर्तमान समय में। ठीक, क्या वर्तमान समय में जो मीडिया हमारा, इसका लोकतांत्रिकरण हुआ कि नहीं हुआ? बात ना करो बिल्कुल भी, समझ आए जब मैं समझा रहा हूँ, समझ लो अच्छी तरह। जो वर्तमान समय में जो मीडिया हमारा, क्या इसका लोकतांत्रिकरण हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्या आज की जो टीवी चैनल हमारे पास मौजूद हैं इन्हें हमें देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? और देखना चाहिए तो फिर क्यों देखना चाहिए, फिर कौन से चैनल को हमें देखना चाहिए? समझ आई बात? या और प्रशासन के अंदर इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इस मीडिया की ना प्रशासन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं सर। अगर लोकतंत्र को बचाए रखना तो फोर्थ पिलर ही है हमारा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं सर? ऐसा क्या कारण है इसका? समझिए भाई, ये तो जनसंचार का एक माध्यम हो, जनता की सूचनाओं को ना सरकार तक पहुंचाने का, और सरकार के द्वारा चलाई गई जो नीतियां उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया करता, ये मीडिया का तो काम हो उसका। लेकिन मीडिया का जो वास्तविक काम हो ना वो नहीं करता है। आज जितने भी तुम मीडिया चैनल देखते हो ना, ठीक पहले इनकी थोड़ी आलोचना कर दूं, आज तुम जितने भी मीडिया चैनल देखते हो, कितने कोई सा भी चैनल उठा लो, ठीक कोई सा भी मीडिया चैनल का, जो जोन सा भी तुमने मीडिया चैनल नाम उठाया ना तुमने, उस मीडिया चैनल के अंदर ना तुम सिर्फ सारी समस्याओं को दिखाया। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, आज गृह मंत्री जी यहाँ गए, इसका उद्घाटन किया, ये करा ये करा ये करा। भारत आज भी ना 75% गाँव में बसता, और 75% गांव की जो समस्या ना, उस गांव की समस्या को कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखाता, भूल गया अपना कर्तव्य। समझ रही बात है? इसका मतलब आजकल ना जो न्यूज चैनल वो कॉरपोरेट घरानों का घर हुआ करता,
वो कॉरपोरेट घराने को घर, वो मीडिया चैनल नहीं है। मीडिया की जो सच्चाई थी ना, मैंने कहा जब जो गांव, ये शहर, शहर के पास जो भोजन आया ना, वो गांव की वजह से आया। और गांव के अंदर ना आज रोड भी मौजूद नहीं है, गांव के अंदर ना ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की गहरी समस्या। एक गांव के अंदर पहुंचने के लिए ना आज भी 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। उस गांव के अंदर आज तक बिजली नहीं है, उसे किसी मीडिया चैनल ने दिखाया नहीं, दिखाया ये दिखाएंगे आज मोदी जी यहाँ गए, आज प्रधानमंत्री जी यहाँ थे, इन्होंने ये खाया आज नाश्ते में, ये खाया, ये मीडिया काम था। तो आजकल जो मीडिया ना, उसका लोकतांत्रिकरण वर्तमान समय में नहीं हुआ। ठीक कहते हैं सब लोग, कहते हैं कि मीडिया में चर्चा तो होती है, लेकिन मीडिया में मीडिया की चर्चा नहीं होती, समझे? यहाँ कठिनाई मीडिया में चर्चा तो होती है, लेकिन वर्तमान में मीडिया की चर्चा नहीं होती। मीडिया का कुछ एथिक्स होना चाहिए। जब मैं एथिक्स क्लास पढ़ाता था तुम, मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ एथिक्स पढ़ाते पढ़ाते कि मीडिया के अंदर आजकल मीडिया एथिक्स की बात होनी चाहिए। आजकल मैं ऐसे रिपोर्टर को भी देखता हूँ जो एंकर तो बनते हैं, लेकिन वे ना जब किसी के साथ संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनका ना अस्तित्व खो बैठते हैं। जब अस्तित्व खो बैठते हैं ना, आप ऐसे बाहर चले जाते हैं और वहाँ ना गालियों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। समझ नहीं पाते, एक एंकर जो हो ना, उसे बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ता एंकर को। समझ में आया बात ये? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हो क्या है। जो मीडिया हो, पहली बात, मीडिया मतलब कि जनसंचार का माध्यम हो, जनसंचार का माध्यम हो मीडिया। समझाया मैं तुम कि जो शहर, आज तुम शहर की समस्याओं को दिखा रहे, गांव की समस्या तुम दिखाने रहे। गांव की वही बस 40% के आसपास आबादी गांव में, शहरों में रहती है। 60-65% तो 65% तो प्लस आज भी गांव में रहती है। गांव की समस्या को मीडिया को दिखाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जो गांव की समस्या, ग्रामीण जो समस्या, उसे उजागर करने की बजाय हम शहरी समस्या को उजागर करते हुए और मीडिया को ना एक फ्रंट पला जाता, उसका केंद्र बिंदु उसे उजागर करता होगा। यही तो समस्या, यही कठिनाई है। समझ में आया बात है? और जो जो शहर है ना, ये बड़े बड़े शहर जो चल रहे, किसकी वजह से चल रहे? गांव की वजह से। आदित्य का क्षेत्र प्रमोट हुआ किसकी वजह से? प्राथमिक क्षेत्र की वजह से। प्राथमिक क्षेत्र ना होता तो टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ना, वो भी पूरा डूब जाएगा। और समस्याएं कहाँ होगी? जब 75% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है, सरकार का रिपोर्ट कहता है गांव में रहती है 75% जनसंख्या, तो समस्या तो फिर गांव में होगी ना, तो शहर में क्या समस्या होगी? और मीडिया बताओ कौन से गांव के बारे में दिखाया जा रहा, किसी भी मीडिया के अंदर बताओ तुम मुझे, एक न्यूज चैनल का नाम बताओ तुम मुझे। इतना ही नहीं, मीडिया के अंदर, मीडिया तो अपना भूल चुका, उसको करना क्या चाहिए था? जब संसद के अंदर हमला हो रहा था ना, संसद के अंदर हमला हो रहा था 2000 के आसपास, हमारी संसद पर दिल्ली के अंदर हमला हुआ, तो उसका मीडिया लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहा था। और जो वहां उसके बैठे हुए ना आतंकी, वे देख रहे थे कि मीडिया को इधर से जाना चाहिए, पूरे न्यूज चैनल को पूरे भारत के अंदर दिखा रखा उसका रिपोर्टिंग लाइव दिखा रहा, ये देखिए इधर से आतंकी गए, तो आतंकी को भी साफ दिखाया दे रहा था, फोन करके बता रहा था अपने अपने कैंडिडेट को इधर से नहीं जाना, मीडिया में इधर दिखा रहे, इधर से नहीं खड़े हुए, इधर से जाओ। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे दिया मीडिया, समझे? उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। जब मुंबई का, मुंबई के अंदर ताज होटल में हमला हुआ, 9/11 वाला जो हमला हुआ, उसके अंदर इनका लाइव टेलीकास्ट किया गया। और फिर मीडिया का देखो कितना बुरा हाल हुआ, समझ बात है? फिर मीडिया पर सेक्शन लगाए गए, इन्होंने फिर प्रतिबंध लगाए गए। न्यूज चैनल बता ना, जो NDTV था, उसने लाइव रिपोर्टिंग करी थी, जो जो उनसे चैनल लाइव रिपोर्टिंग करी थी ना, उस पर बैन लगा दिया गया था उस टाइम पे NDTV पर भी। समझ में आया बात है? ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। समझ में आई बात है? ये मीडिया का काम था, ये मीडिया का काम था, इसका मतलब मीडिया का काम नहीं था। तो मीडिया का जो काम था ना, वो अपने मुद्दे से भटक कर चला गया। मीडिया इसका काम था, इसका लोकतांत्रिकरण नहीं हो पाया। वर्तमान समय में भी मीडिया था, उसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए था। जब तक उसका लोकतांत्रिकरण नहीं होगा, तब तक आप मीडिया को ना नहीं कह सकते कि एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करता। कोड ऑफ मीडिया का भी एक एथिक्स हो, जैसे तुम जर्नलिज्म बनने जाओगे ना, तो वहाँ एथिक्स पढ़ाया जा, कैसे तुम बात करनी, कौन कौन से मुद्दों पर तुम बात करनी चाहिए। समझ में आया बात है? अब बताओ, ये मीडिया वाले अपने पब्लिसिटी के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, सही बात है, न्यूज़ को चटपटा बनाने के लिए एक अपाहिज को बुलाकर उसको सामने पूछते, तुम अपाहिज हो? उसकी बेइज्जती नहीं आए, उसका पैर दिखाते हैं, तुम अपाहिज हो? उसे 1000 बार पूछते, तुम अपाहिज हो? इस तरह करके शायद लेसन भी याद रखो। तो पूछते हैं ना, उसकी मानसिकता को हर्ट करते हैं और न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं। समझ में आया बात है? अब क्या दिखाते हैं? किसी लड़की के साथ कोई असली घटना घट जाती है, उसका नाम पूरा खोलते हैं, उसका पता दिखाते हैं पूरा का पूरा। समझ आई बात है? उसको भी, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। अब उस अमुक नाम की लड़की थी, अब पूरे न्यूज चैनल पर उसे दिखा रहे, उसके पेरेंट्स को क्या, कितनी लज्जा महसूस हो रही होगी उसके पेरेंट्स को। तो मीडिया एथिक्स है, तुम उससे सीख रहे यार क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। प्राइवेसी भी तो नाम की कोई चीज़ हो, दुनिया में पूरे न्यूज चैनल पर वही चीज़ दिखा रहे,
अंकिता नाम की लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वो था, ये था, इतने लड़के थे। यार क्या कर कर क्या क्या रहे थे, उसके जो पेरेंट्स होंगे उसके दिल पर क्या बीती रही होगी, समझ में आया बात है। बस सरकार आने वाली, फिर मुझे मुआवजा देगी और फिर चले जाएगी अपने। लेकिन जो मानसिक चोट पहुंची वो, मैंने बताया तुम्हें मीडिया के नुकसान कितने हो रहे हैं, बेनिफिट ही बताने वाले तुम मीडिया का, समझ नहीं बात। लेकिन जो मीडिया था ना, वर्त मीडिया का जो काम था वो नहीं कर पा रहा था। और मेरा मानना कि अभी मैं मीडिया को देखता हूँ ना, तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। एक रिपोर्टर को देख रहा था, ये गैरी हर हर शनिवार को आते हो रिपोर्टर को, ठीक, नाम नहीं बताने का तुम्हें। और मैं तो देखता हूँ मेरा कितनी कितनी अंधविश्वास में घुसी है। मैं देखिए, मैं आपको ऐसे लड़के से मिलवाने वाली हूँ, इसका पुनर्जन्म यही हुआ था, इसका विश्वास, इसका जो पुनर्जन्म यही हुआ था, तो जब इसके ये दूसरे गांव में रहा करता था, इसे अपने सब कुछ पुराना यहाँ से। यार क्या है बदतमीजी, आए देखिए ये चल क्या रहा है। एक रिपोर्टर कह रही देखिए इस कमरे में भूत रहता है, ये भानगढ़ का किला है, भूत रहता है। यार इतनी टेक्नोलॉजी में आगे तुम मीडिया होने के बाद तुम दिखा क्या रहे हो, दिखाना तुम्हें क्या चाहिए। लोग देख रहे हो सर, अभी नीचे देख रहा है ना, नीचे देख रहा, 50,000 लोग देख रहे थे सर, और 50,000 लोग देख रहे होंगे, 22 हो रहे होंगे सर देखने के बाद, ठीक। इसे मैं कहता हूँ ना कि जो न्यूज चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। अब जितने भी न्यूज चैनल देखोगे तुम, अधिकांश न्यूज चैनल सबको पता, हर न्यूज़पेपर वन साइडेड लिखा होगा, सरासर सरकार के पक्ष में लिखा होगा। कभी भी मीडिया को सरकार के पक्ष में लिखना चाहिए, कभी भी मीडिया को सरकार के पक्ष में लिखना चाहिए। उसका काम था समस्याओं को उजागर करना, वो क्या सरकार को सपोर्ट कर रहा, सही बात है। लोकतंत्र को कमजोर बना दिया इन लोगों ने, समझ में आई बात यार। इसका काम था समस्याओं को उजागर करना, यहां तो समस्या ही गायब है। देखो कितना अच्छा चल रहा है, मोदी सरकार ने ये प्लान चलाया, ये कर दिया, ये कर दिया, कहीं क्या क्या बदतमीजी आए कि तुम्हारा काम था, ये पढ़ रहा तू इसके अंदर। ये योजना बनाई हमने, ये चलाया, इसमें स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया, उसका काम था। देखो इस क्षेत्र का आज भी विकास नहीं हुआ, सरकार को इसकी ओर ध्यान इंगित इंगित करना चाहिए, इसकी ओर सोचना चाहिए। ये विशेष क्षेत्र है, इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची, ये काम था इसका, कौन सा दिखा रहा। यहाँ देखो गांव के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इनके पास बेंच नहीं है, आज भी कैसे खाना खाते हैं, यहाँ सफाई गुणवत्ता नहीं, ये काम था इनका। धरातल पर जाओ और रिपोर्टिंग करो, ग्राउंड रिपोर्टिंग करो, एक चैनल का नाम बताओ। और लोग आजकल देखना भी तो पसंद नहीं करते सर, देखते ही कहाँ, समझ आई बात है। जो राजनीति में करते हैं लोग, आज मीडिया से राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, एक विशेष व्यक्ति आते हैं और जो बोलते रहते हैं बस वही सत्य मान लेते हैं लोग, मान लेते नहीं, मान लेते हैं वास्तविकता लेकिन कुछ और। अभी जब मैं गांव की तरफ घूमता हूँ ना, कहीं भी बिहार की तरफ घूमता हूँ, मैं बिहार में घूमा, झारखंड में भी घूमा हुआ, तो जब मैं वहां के गाँव देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार कितना डेवलप हुआ, कुछ भी तो नहीं बदला, ठीक। बस एक ऊपर रोड तो चली गई, साइड में जो नीचे है ना पुल के बराबर में, आज भी उसकी झोंपड़ी, झोंपड़ी में झोंपड़ी पर लाइट तक नहीं पहुंचती, झोंपड़ी का मकान तो क्या बनने वाला, उसके अंदर लाइट तक नहीं पहुंचती, सही। वो आज भी निर्जीव जीवन गुजार रहा, और सब बराबर में क्या गुजरेगा, हाईवे गुजरेगा उसके पास, हाईवे से धूल तो बढ़ रही है उसके घर पर, लेकिन उसका घर कभी पक्का नहीं बन पाया। और प्रधानमंत्री आवास योजना चलाने के बावजूद भी उसके पास जो पैसा आया था ना, वो तो सिक्योरिटी खा गया। मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कितना घोटाला हुआ है, सरकार की योजनाओं का जो लाभ पहुंचाया गया था वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राष्ट्र जो अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति था उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसे तो बोलते सतत विकास। ये मीडिया का काम था, इसलिए मैं कहता हूँ मीडिया को देखना बंद कर दो। जिस दिन टीवी देखना बंद कर दोगे ना, ठीक, इसे चैनल का नाम बता रहा हूँ, आज तक जी न्यूज, NDTV, ये सब बायस है, सही बात है, ये सब बंद कर दो। टीवी देखने लायक हो तो गवर्नमेंट का देखो, उसका नाम बता कौन सा, संसद टीवी, राज्यसभा टीवी, इनके अलावा कोई चैनल मत देखो, सब दबाही के अलावा सब वन साइडेड बोलने। तो मीडिया का काम नहीं था ये, जो मीडिया का काम था ना, जो मीडिया का काम था वो मीडिया अपना काम कर नहीं रहा। तो मीडिया का वर्तमान समय में लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, बस हम तो कागजों में लिखते हैं, लिख कर तुम भी बैठ जाओगे, लेकिन मीडिया का क्या लोकतांत्रिकरण हुआ, समझ में आया बात है। तो यहाँ समस्या क्या है बताए, तो मीडिया में, मीडिया की तो चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा तो होती है लेकिन मीडिया की चर्चा नहीं होती, ठीक। कोई तुमसे पूछे क्या हो, मीडिया हो क्या, तो कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो। कल ही मैं कोई न्यूज चैनल बनाऊं और उस लगातार बोलना स्टार्ट कर दूं, 1 घंटे का न्यूज चैनल, 1 घंटे की न्यूज डेली दूं, हुआ क्या, ये समस्या उसे उजागर करता चला जाऊं, तो मेरे मन में विचार आया ना और मैंने अभिव्यक्त कर दिया, ठीक। SN न्यूज के नाम से चैनल बना दिया, व्यक्त कर दिया। इसका मतलब जो न्यूज हो ना, यानी मीडिया हो,
वो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो, अपने विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं, और खासकर इसमें किसे फोकस किया जाना चाहिए, जनता को, और किसे फोकस किया जाना चाहिए, सरकार की समस्याओं को, सरकार के अंदर ना, गवर्नमेंट के अंदर, प्रशासन के अंदर ये समस्या, उस समस्या का ये समाधान होना चाहिए, ये मीडिया का काम था। उस प्रॉब्लम थी, उसे आइडेंटिफाई करो, देखो, ग्राउंड पर जाओ, सोशल ऑडिट करो, ये सोशल ऑडिट करने का काम मीडिया का था, लेकर जाओ उसे कैमरा को भी ऑन द स्पॉट, समझ में आई बात है, करो, दिखाओ कहाँ जवाब दी था, पूरी जवाब दी, जवाब दो, दिखाओ पारदर्शिता। बिहार का चैनल कोई संकेत कश्यप, पता नहीं मुझे क्या नाम है उसका, कश्यप करके कोई चैनल, मनीष कश्यप नाम है उसका, वो ऑन द स्पॉट करता, बिहार के अंदर जाकर समस्या दिखाता, चिल्ला चिल्ला के पढ़ता टीचरों को, समझा? हाँ, मुझे जब मैं उसे देख रहा था ना, मुझे देखने के बाद लगा ये बंदा दमदार है, गांव के अंदर जाने वाला है। तो ये मीडिया, मीडिया के अंदर तो कठिनाई तो है ही, मीडिया के अंदर। अब सवाल है, लेकिन हम प्रशासन के अंदर हम पढ़ने वाले, इसके लाभ क्या होंगे मीडिया के, सही बात। अब तो मैंने मीडिया की बहुत बुराई कर दी, अब मीडिया के लाभ भी हो कुछ, ठीक, तो मैं पहले मीडिया के लाभ बताऊंगा, मीडिया का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्या हो प्रशासन के अंदर इसमें किस तरह उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा गवर्नेंस है इसके अंदर किस तरह उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम समीक्षा, यानी चुनौतियाँ क्या हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सुझाव क्या किया जाना चाहिए। तीन भागों में चैप्टर खत्म हो जाने वाला, तीन चीज़ पढ़ेंगे इसमें। नंबर फर्स्ट मीडिया, पहले बात तो मीडिया क्या है, दूसरा उसके बाद मीडिया की भूमिका क्या है, बस लाभ और कुछ नहीं, मीडिया की भूमिका क्या है प्रशासन में, दूसरा वही लाभ हो, तीसरे नंबर पर या मीडिया का महत्व या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस यही मतलब सबका। तीसरे नंबर पढ़ने वाले हैं, तो चौथे नंबर पर पढ़ेंगे कि जो मीडिया ना उसके सामने समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या, चौथे नंबर पर सुझाव पढ़ लेंगे किया क्या जाना चाहिए। इस तरह अगर हम तीन भागों में चैप्टर को पढ़ लें, ठीक, देखो हेडिंग बनाओ मीडिया, हेडिंग बनाओ मीडिया, क्या मीडिया, विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम, क्या हो मीडिया बताओ, अभी भी शॉर्ट फॉर्म उतारूंगा बस बोर्ड, विचारों, तुम भी ऐसे लिखो, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, यह विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, यह विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह एक जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम है, वर्तमान में मीडिया में, वर्तमान में मीडिया में चर्चा तो होती है, चर्चा तो होती है, परंतु मीडिया की चर्चा नहीं होती, मीडिया की, ऐसे लिखना भी, अभी वैसे लिखा है, बस फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ एक टाइप से, ताकि तुम्हारे छोटा छोटा याद रहा, मीडिया की चर्चा तो होती है, वर्तमान में मीडिया में चर्चा तो होती है, परंतु मीडिया की चर्चा नहीं होती, परंतु मीडिया की चर्चा नहीं होती, वर्तमान मीडिया में लोकतंत्रीकरण का भाव है, वर्तमान मीडिया में लोकतंत्रीकरण का अभाव है, वर्तमान मीडिया में लोकतांत्रिकरण का भाव है,
ये है सरकार तथा जनता के मध्य संसद की भांति कार्य करता है, संसद की भांति कार्य करता है। अभी समझाएंगे आपको, ये चार पांच लाइन लिख रहा है उसके अंदर। मीडिया, ये रहा आपका मीडिया, ये रही आपकी जनता, मीडिया के पूर्वी आजकल तो बैठी है सरकार, ये गवर्नमेंट किसकी तरह कार्य करता है, संसद। वो प्यार वाली चिट्ठियां, ओके चलें अब लिखना स्टार्ट करें। तो अब ये तो वैसे लिखना, अब मैं इसके बारे में पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग करवाता हूँ। ये तो वैसे भी इंट्रोडक्शन में डाल देता हूँ ताकि तुम मोटे मोटे तरीके से छोटी छोटी बातें याद रहती है। उसके बाद अब हेडिंग बनानी तुम्हें मीडिया। अब बनाओ मीडिया, क्या मीडिया की परिभाषा, ये मीडिया का डेफिनेशन है। अब मीडिया क्या हो, मीडिया ना विचारों की अभिव्यक्ति का, हेलो, विचारों की अभिव्यक्ति का क्या हो, एक माध्यम। मीडिया क्या हो, विचारों भयमुक्त माध्यम, भयमुक्त, किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर मैं वे विचार ही क्या जो मैं भय किसी के खौफ से बोल रहा हूं, तो इस तरह का वर्ड यूज करोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं विचारों की अभिव्यक्ति का भयमुक्त माध्यम मीडिया कहलाता है, विचारों की अभिव्यक्ति का भयमुक्त माध्यम मीडिया कहलाता है। कोई प्रॉब्लम, लिखो पहले लाइन, जनसंचार के माध्यम से लिखो, ऐसे लिखो मीडिया, ऐसे लिखो मीडिया, मीडिया जनसंचार के माध्यम से मीडिया जनसंचार के माध्यम से विचारों का भयमुक्त आदान प्रदान है, विचारों का भयमुक्त आदान प्रदान है। विचारों का भयमुक्त आदान प्रदान है, विधान विचारों का भयमुक्त आदान प्रदान है। देखो जो किसी भी समाज, विचारों का भयमुक्त आदान प्रदान, जो किसी भी समाज समाज, उसके बाद कोमा लगाओ फिर लिखो राष्ट्र, जो भी जो किसी भी समाज, कोमा लिखो राष्ट्र की, राष्ट्र की समाज तथा राष्ट्र लिखो, समाज तथा राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक जो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज या राष्ट्र की सामाजिक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उजागर करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भी ले लेते हैं यार,
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को उजागर करता है। लिख लिया। अब जो डॉक्टर अंबेडकर थे ना, हेलो डॉक्टर अंबेडकर, तो पूछा गया ना कि बताओ मीडिया के बारे में आपका क्या कहना, मीडिया को आप बारे में आपका क्या कहना, तो मीडिया को पता क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि ये ना मीडिया मीडिया के पास इतना ही अधिकार है जितना कि एक स्वतंत्र नागरिक के पास अधिकार है। भारत के जो स्वतंत्र नागरिक है ना, उन्हें विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी मीडिया को भी दी गई, यानी भारत का मीडिया भारत के संविधान के अनुसार न एक जिंदा व्यक्ति, समझे नहीं? अंबेडकर तो पूछा गया बताओ, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का भाग ही मीडिया, आया समझ में? यानी एक मीडिया को ना इतने ही अधिकार दिए गए जितने एक स्वतंत्र मनुष्य को दिए गए जो भारत के अंदर रहता होगा, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत ना, भारतीय संविधान के अंतर्गत मीडिया की जो जगह वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत रखा गया। इसका मतलब विचार मीडिया और जो भारत का नागरिक उसमें कोई अंतर नहीं है, इसके बराबर का अधिकार दिया हमने मीडिया को, ऐसा किसी ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में जब चर्चाएं हो रही थी, ठीक पार्लियामेंट में। देखो क्या लिखा तुमने भी, उजागर करते हैं या इनका प्रतिबिंब होते हैं, या इनका प्रतिबिंब होते हैं, या इनको प्रतिबिंबित करते हैं, ऐसे लिख दो, या इनको प्रतिबिंबित करते हैं, या इनको प्रतिबिंबित करते हैं, लिख लिया। देखो मीडिया विचारों का माध्यम है, मीडिया विचारों का माध्यम है, इसी कारण भारतीय संविधान के इसी कारण इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल किया गया है, इसी कारण इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल किया गया है। और जो भारतीय परिषद है ना, जो इंडियन काउंसिल है, सुना ने सर, स्वतंत्रता की जननी कहा, स्वतंत्रता की क्या कहा, स्वतंत्रता की माता है, यही आजादी दिलाती है तुम, लिखो। तथा भारतीय परिषद ने ने मीडिया को सभी स्वतंत्रताओं की जननी कहा है, सफलताओं की जननी कहा है, स्वतंत्रताओं की जननी कहा है, जननी मतलब मैं कभी बतलाता नहीं, कोई भी चाहना मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ। कितने बच्चों ने देखी तारे जमीन पर पिक्चर, देखिए बड़े पिक्चर नहीं है, देखो जितने भी देशों के अंदर राजनीतिक क्रांति सफल हुई ना, उनमें मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। जितने भी देशों के अंदर विभिन्न देशों के अंदर जो राजनीतिक क्रांति सफल हुई ना, उनके अंदर मीडिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही, लिखो। विभिन्न देशों में
विभिन्न देशों में, विभिन्न विभिन्न देशों में सफल होने वाली राजनीतिक क्रांतियों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न विभिन्न देशों में सफल होने वाली राजनीतिक क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया सर, किसने बताया? बस यही बता, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये नहीं बताया था किसे कहा? इसे कहा गया एडम बर्क नामक ब्रिटिश राजनीति विचारक हैं। एडम बर्क, एडम बर्क मुझे कह रही है, इधर देख लो नाम अच्छा नहीं लगा तुम कह रही दुर्बत्तमीज कैसे आ गए। लिखो ब्रिटिश राजनीति विचारक ने, लिखो ब्रिटिश राजनीति विचारक ने, ब्रिटिश राजनीति विचारक ने, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक ने, ब्रिटिश राजनीति विचारक एडमर्क बर्क ने, एडम बर्क ने, ब्रिटिश राजनीति विचारक एडम बर्क ने, और लिख लो फिर कॉपी में एडम बर्क, ब्रिटिश राजनीति विचारक एडम बर्क ने इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। चौथा स्तंभ कहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है तो हम जितना लिखवाया ना ठीक, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। एक बार मोटे मोटे तरीके से दोहरा लो क्या पढ़े थे हम क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, और क्या लिखवाया था तुम्हें। ठीक, हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम, चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा जाएगा तुम्हें, मीडिया की भूमिका, लेक्चर नंबर हमारा वही था 14 ही, मीडिया, मीडिया की भूमिका इसे बोलते हैं, मीडिया गवर्नेंस का, मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया, ये पढ़ रहे थे हम। कल बताया गया था मीडिया के अंदर क्या क्या बताया गया था, कल तुम बताया था ये ना एक प्रकार का विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की जो अभिव्यक्ति हो ना उसका माध्यम हो, और माध्यम भी भय मुक्त होना चाहिए, ये भी कब बताई थी मैंने तुम्हें। उसके बाद मैंने तुम बताया था जो मीडिया ना आजकल मीडिया में चर्चा तो होती है लेकिन मीडिया की चर्चा नहीं होती बिल्कुल भी, समझ में आया बात है। मैंने कहा जनसंचार की जो शक्ति हो ना, जनसंचार की शक्ति एक प्रकार था, जनसंचार का माध्यम है मीडिया एक प्रकार था। पहले जहाँ कबूतरों के जरिए और डाकिया के जरिए बात हुआ करते थे ना, आज इसके माध्यम से मीडिया के माध्यम से बात होती है। जनता की सूचनाओं को ना, जनता के द्वारा जो समस्याएं, उन जनमानस की जो समस्याएं हैं, जनमानस की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा जाता है, और सरकार की नीतियों को और कार्यक्रमों की जानकारी को किसके द्वारा कहां तक पहुंचा जाता है, जनता तक पहुंचाने का कार्य करता। ये तो बताया गया था, और कुछ बताया गया था इसमें? ठीक, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ये हमारी एक जो मीडिया ना वर्तमान समय में संसद का काम करता, जो काम संसद को करना चाहिए था आज वो मीडिया करता, जो काम कभी संसद किया करता था, संसद के जो सदस्य थे, जो संसद के सदस्य हो वे कौन, एमपी नहीं होते, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब वो सांसद, जो सांसद हो उनका काम था कि गांव गांव गली गली जाओ, उनकी समस्या को सुनो, और सुनने के बाद यहाँ के डिस्कस करो सरकार के अंदर, समझ में आ बात है, तो इस सरकार को बताओ यह समस्या हमारा ये थी हमारा, तो उसका काम कौन करते थे, सांसद करते थे। अब सांसद, सांसद की जगह कौन आया, मीडिया आया, तो सांसद ने जो सांसद जो संसद संसद तो संसद का कार्य किसने करना स्टार्ट कर दिया, संसद का कार्य करना स्टार्ट कर दिया किसने, मीडिया ने, ये तो बताया तुम। उसके बाद हम तुम्हें बताए जो मीडिया ना जनसंचार का माध्यम है, और जनसंचार का जो आदान पर जो जनसंचार का माध्यम विचारों का इसमें आदान प्रदान होता है, वो भी ऐसा नहीं भयमुक्त आदान प्रदान होता, बताया नहीं बताया कि भयमुक्त आदान प्रदान होता रहता है इसमें। उसके बाद किसी राष्ट्र की समस्या या समाज की समस्या, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या, ये तो बताया था तुम, उनका उजागर करता, उनके प्रतिबिंब होते हैं। उसके बाद तुम बताया था, मैंने कहा था कि यो ना भारतीय भारत के संविधान के अनुसार मीडिया को अभिव्यक्ति की आज़ादी का भाग बनना गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसे जगह दी गई नहीं दी गई, ये तो बताया था। उसके बाद तुम्हें बताया था जो भारतीय परिषद है ना, भारतीय परिषद ने इसे स्वतंत्रता की जननी कहा, सभी स्वतंत्रताओं की जननी कहा, कितनी बड़ी संख्या दी थी। उसके बाद तुम्हें बताया गया था कि जो है ना
जितनी भी राजनीतिक क्रांतियां हुई ना दुनिया के किसी भी देशों में राजनीतिक क्रांतियां हुई, उन राजनीतिक क्रांतियों के अंतर्गत ना इसकी मीडिया की सर्वाधिक भूमिका रही, रही कि नहीं रही। ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थे, नाम था एडम बर्क। अच्छा एडम बर्क ने कहा कि जो है ना मीडिया वो ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, आज हम थोड़ा अपनी कहानी आगे बढ़ाने वाले। अब हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया है क्या वास्तव में, उसके बाद ये मीडिया के बताऊंगा तुम क्वेश्चन कैसे आए हुए, समझ में आया बात है। पहले आज मीडिया खत्म कर लेंगे, समझ में आया। चलो नई लाइन से लिखो, नई लाइन से एकदम लिखो। विश्व के लगभग सभी विकासशील तथा विकसित देशों की सरकारें विश्व के लगभग सभी विकसित तथा विकासशील देशों, विश्व के लगभग सभी विकसित तथा विकासशील देशों की सरकारें, देशों की सरकारों सरकारों ने स्वयं को विकास के लिए प्रतिबद्ध किया है, विकास के लिए प्रतिबद्ध किया है। ठीक, लिख लिया ना। अब लिखो परिवर्तन की उस प्रक्रिया को विकास की संज्ञा दी जाती है। बताएगा विकास किसे कहते हैं, की संज्ञा दी जाती है। परिवर्तन की उस प्रक्रिया को विकास की संज्ञा दी जाती है जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग पीड़ित करने वाले रोगों से मुक्त हो। भूख, अन्याय, सामाजिक शोषण एवं अन्य सामाजिक बुराइयां अन्य सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने के उद्देश्य से
से निर्देशित हो। उन्मूलन करने के उद्देश्य से निर्देशित हो। ना दोबारा पढ़ो सो क्या लिखा जाएगा। देखो, विश्व के लगभग सभी विकसित विकासशील देश उनकी सरकारें स्वयं को विकास के लिए प्रतिबद्ध किया है। सारी जितनी चाहे विकसित देश हो आपके, चाहे विकासशील देश हो, सुन लो, चाहे आपका विकसित देश हो, विश्व के अंदर चाहे कोई भी विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, उनकी जो सरकारें ना, उन्होंने स्वयं को कहा कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध। सबको ने कहा कि हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को, ये तो बदलाव की प्रक्रिया ना, तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया को विकास की संज्ञा दी जाती है, इसे विकास कहते हैं। असली मकसद तो एक ही जनता का विकास करना। तो यहाँ मीडिया की क्या भूमिका होगी, मीडिया क्या भूमिका होगी, तो उसके बाद सुन लो ध्यान से। जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग आज भी पीड़ित पीड़ित दिखा देगा तुम्हें पीड़ित रोगों से मुक्त हो, जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग किससे मुक्त हो, पीड़ित रोगों से, उसे वहां कैंसर ना हो, समझ बात यार, वहां चेचक ना हो, वहां तमाम प्रकार की बीमारियां ना फैली हुई हो, जनसंख्या का अधिकांश भाग पीड़ित करने वाले रोगों से मुक्त हो, जो पीड़ित करने वाले रोग हो उनसे मुक्त हो। उसके बाद भूख, ये भुखमरी की समस्या नहीं आए हो। उसके बाद अन्याय ना हो वहाँ, सामाजिक शोषण एवं अन्य सामाजिक बुराइयां ना हो वहाँ से, रीतियाँ कुरीतियाँ रीति रिवाज प्रतिबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता उन्मूलन करने के उद्देश्य से निर्देशित हो। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, विकसित देश। तो वो विकास की ओर बढ़ रहा, वो देश विकास की ओर बढ़ रहा। अच्छा, ये सारा काम इन समस्याओं को उजागर करना जो बताई गई है, ये जो समस्याएं बताई गई, उजागर करने का काम किसका होगा, मीडिया का होगा। किसका होगा, अरे इतनी सारी समस्याएं बताई गई हैं, समय भूख हुई, अन्याय हुआ, उसके बाद सामाजिक शोषण हुआ, अन्य सामाजिक बुराई हुई, इन सबको उजागर करने का कार्य होता है मीडिया का। समझ में आया बात यार, क्यों, ताकि देश को विकसित अवस्था में डाला जा सके, विकासशील तो यह विकसित हो, ताकि उसके अंदर उसका विकास करा जा सके। तुम कोई से भी देश हो, विकसित चाहे विकसित देशों की सरकार हो चाहे विकासशील देशों की सरकार हो, समझ में बात यार, सब विकास के लिए प्रतिबद्ध है, नहीं विकास के लिए प्रतिबद्ध। और मैंने तुम्हें कहा परिवर्तन की इस प्रक्रिया को विकास की संज्ञा दी गई, कि जहां किसी दिए गए परिवर्तन की प्रक्रिया को, बदलाव की प्रक्रिया को विकास की संज्ञा दी गई, जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग पीड़ित करने वाले रोगों से मुक्त हो, पीड़ित करने वाले रोगों से मुक्त हो, भूख अन्याय सामाजिक शोषण अन्य सामाजिक कुरीतियां बुराइयां का उन्मूलन कराया जाए, उन्मूलन मतलब समाप्त कर दिया जाए, करने के उद्देश्य से निर्देशित हो। ठीक, ऐसे देश को हम कौन सा देश बोलते हैं, विकसित देश। विकसित देश, समझ में आए बात, इस प्रक्रिया को हम विकास की प्रक्रिया बोलते हैं। जहां भी बोलता अभी लिखो, निर्देशित हो, निर्देशित, उसके बाद लिखो सरकार, सरकार कुमार राजनीतिक दल सरकार कुमार राजनीतिक दल तथा कार्य समूह की गतिविधियां, सरकार कुमार राजनीतिक दल तथा कार्य समूह की गतिविधियां, कार्य समूह की गतिविधियां कोमा जनता की शिकायतें कार्य समूह की गतिविधियां कुमा जनता की शिकायतें कुमा समसमय के मुद्दे मीडिया के माध्यम से संपन्न किया जाए, समसमय के मुद्दे मुद्दों को मीडिया के माध्यम से संपन्न किया जाता है, संपन्न के नाले को उजागर किया जाता है,
उजागर किया जाता है, उजागर किया जाता है। सरकार हो चाहे सरकार की जानकारी नहीं, राजनीतिक दल हो, कोई कार्य समूह हो, उनकी जो 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 भी गतिविधियां हो रही, जनता की कोई भी शिकायतें हों, ये सारा काम मीडिया का तो होगा। समसामयिक के मुद्दे हो, प्रेजेंट टाइम में कोई भी घटना चल रही हो, मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाता है। देख लो क्या क्या बताएगा, ये मीडिया का काम होगा। सरकार हुआ, राजनीतिक दल हुआ, कार्य समूह हैं, उनकी सबकी गतिविधियाँ और जनता की शिकायतें, ठीक, और समसामयिक के मुद्दे मीडिया के माध्यम से उजागर किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख देगा, पॉइंट बना के लिख देगा, चलो लिख के रखो, आगे लिखो। साथ ही साथ आम लोगों को, इसमें लिखना, इसमें ऐड करके, साथ ही साथ आम लोगों को क्या लिखा, साथ ही साथ आम लोगों को उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने में, आम लोगों को उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने में सहायता करता है। बताओ मीडिया के माध्यम से तुम्हारी राजनीतिक चेतना जागरूक होती है कि तुम्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए, समझ में आया बात यार। लोग जागरूक होते हैं तो मीडिया का काम हो लोगों के अंदर ना जागरूक करने के बाद उनके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास करना, समझ में आया बात है। ये मीडिया का काम हो राजनीतिक चेतना का विकास करना। दोबारा समझ लो, मीडिया का क्वेश्चन हर साल आता है, आना ही आना, फिक्स एक क्वेश्चन, GS2 में नहीं आया तो GS4 में आऊंगा, पक्की बात है। लिखो लिखो, यही चेतना लोकमत का निर्माण करती है, निर्माण करता है यही चेतना लोकमत का निर्माण करती है। लोक मतलब लोगों का मत, यही तो चेतना हो, यही चेतना लोकमत का निर्माण करती है। लोकमत होगा जहाँ, वहाँ लोकतंत्र होगा, समझ में आया बात है। यही चेतना किसका निर्माण करती है, लोकमत का निर्माण करती है। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद तो भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है भारत की, आज भी अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है कि नहीं रहती। तो लिखो अगला पॉइंट, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए मीडिया का दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, लाइबिलिटी। क्या लिखा, इसे मीडिया दायित्व है कि वह किसानों को उन्नत किस्म के बीज की दायित्व है कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज क्या लिखा, उन्नत किस्म के बीज कोमा दवाई ये बताई जा रही है मीडिया में, बताई जा रही है। ये मीडिया का काम था, देख लो, ये था मीडिया का काम। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो मीडिया का काम होना चाहिए कृषि प्रधान होने के साथ साथ। अरे भाई मीडिया वाले हो तुम खाना खाते हो, अन्नदाता तुम्हें खाना देता है, तुम अन्नदाता के बारे में तुम जानकारी नहीं पहुँचाते, ये भूल जाते हैं। बता दो, मीडिया में चर्चा तो होती है, मीडिया की चर्चा नहीं होती। लोकतंत्र का तुम चौथा, एडम बर्क ने कहा कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, समझ आई बात है। मीडिया चाहे तो सब कुछ सुधार दे, सब कुछ, समझ में आया बात यार। देख लो, भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए मीडिया का दायित्व है, जिम्मेदारी। ये मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मीडिया के पॉइंट पढ़ रहे हैं सारे के सारे, कि मीडिया का दायित्व है कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज, दवाई। क्यों, पहले चैनल आता था कि DD किसान, DD नेशनल, अब कौन देख रहा है DD नेशनल, उस पर हरिदर्शन कर ना, सुबह को एक नाटक आता था हरिदर्शन कर,
हरिदर्शन, हरिदर्शन का मतलब कृषि के बारे में बताया जाता था, लोग जागरूक होते। अब बता क्या ऐसे ऐसे चैनल हो चुके, एक दबाया नहीं दूसरा तैयार, दूसरा दबाया नहीं तीसरा तैयार, रिमोट के चक्कर में लड़ाई बज रही है घर में ही। ऐसा समझ में, मैं ये वाला देखूंगा, वाला देखूंगा, वाला देखूंगा, देखूंगा, समझ में आई बात है। डीडी किसान जैसे चैनल थे ना, डीडी किसान जैसे चैनल भी थे, किसानों का अलग चैनल था डीडी किसान, देखना ही पसंद नहीं करते, उनकी टीआरपी घट गई, चैनल ही बंद कर दिया गए। समझ में आई बात यार, ठीक। तो ये मीडिया का काम था। आज बताओ एक मीडिया के बारे में बता दो किसानों के बारे में कब किस टाइम प्रोग्राम आ रहा है। समझ, आत्मा भी सूखी हमारी देखते देखते कि किसानों का प्रोग्राम आने वाला, किसानों की समस्याओं को उजागर करा जा रहा। समझ बात, हाँ किसानों ने आंदोलन कर दिया, वो तो इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया, क्योंकि सरकार के खिलाफ कर दिया ना, वो तो इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया। कभी किसानों की समस्याओं को उजागर किया, कभी भी इन्होंने किसानों की समस्याओं को उजागर नहीं करा कि किसानों के लिए ये मार्केट के अंदर नया बीज आया, इसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार कर दिया हो, ऐसा करोगे तो इन किसानों को फायदा होगा। समझ में बात है। तो ये आज वर्तमान समय में ना हम मीडिया के ऊपर हम उसका कॉर्पोरेट जो घराने होते हैं, बड़े बड़े घराने होते हैं, उनका उनके प्रति जिम्मेदार रहते हैं मीडिया। समझ आई बात, इनका दायित्व दिखता है इनके ऊपर, इनकी छाप दिखती है, इनका दबाव दिखता है, इनके दबाव मांग कर कार्य करते हैं। जब आजकल मीडिया को दूसरी भाषा में हम कहने लगे, आज कॉर्पोरेट घरानों का घर है मीडिया, कॉर्पोरेट घरानों का घर बताया जा। समझ में आया, जो कॉर्पोरेट घराने हो बड़े बड़े अंबानी अडानी, समझ आई बात, या पूंजीपति जो लोग होते हैं, बात समझ में आया। चलिए क्या लिखा, बीज हो गया, दवाई होगी, के बारे में अवगत कराया जाए, के बारे में अवगत कराया जाए। हालांकि इस दिशा में डीडी किसान चैनल है, यूट्यूब पर देख लेना, अगर तुम कृषि से रिलेटेड ज्यादा जानकारी चाहिए ना, मैं इसे देखता हूँ डीडी किसान तथा किसान कॉल सेंटर के माध्यम से अवगत कराया जाता है। डीडी किसान तथा किसान कॉल सेंटर के माध्यम से अवगत कराया जाता है। जानकारी दी जाती है, अवगत कराना मतलब जानकारी देना। ठीक, और क्या काम होगा मीडिया का, जितने विधायी विवाद जहाँ कानून को लेकर विवाद, उसे उजागर करना मीडिया का काम हो। चलो ये तो कर देते हैं, समझ में आया बात। या दूसरा उसको सुन लो ध्यान देगा, महत्वपूर्ण काम हो, जो महत्वपूर्ण अधिकारी ने, बड़े बड़े अधिकारी है, उनके भाषण रिकॉर्ड करके लोगों को सुनवाना, क्योंकि उनके भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात। या दूसरा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जितने भी मंत्री ना अधिकांश, उनके भाषण को प्रोवाइड करवाना, जनता तक पहुंचाना, ये सब काम किसका हो, मीडिया का। लिखो अगला पॉइंट। अब समझ लो मीडिया के लाभ पढ़ रहे, एक टाइप से हमें मीडिया के लाभ हैं, एक टाइप से समझ लो मीडिया का क्या जिम्मेदारी, मीडिया की भूमिका क्या है, यही मीडिया की भूमिका, समझ रहे हैं ना, मीडिया की क्या भूमिका प्रशासन के अंदर, यही मीडिया की भूमिका। महत्वपूर्ण अधिकारियों के भाषण हुए, समझ, प्रधानमंत्री हुए, वित्त मंत्री हुए, अन्य मंत्री हुए, इनके सबके भाषण को जनता तक पहुंचाने का कार्य करना। समझ में आया बात। या लिखो क्या लिखा तुमने अब तक, मीडिया के माध्यम से विभिन्न विषयों जैसे विधायी विवाद, यानी किसी कानून को लेकर विवाद हुआ ले आओ चर्चा में, जैसे सीए था ना, विधायी विवाद कोमा विभिन्न विषयों जैसे विधायी विवाद कोमा महत्वपूर्ण अधिकारियों के भाषण
महत्वपूर्ण अधिकारियों के भाषण, लिख दिया, कोमा लगाओ, प्रधानमंत्री कोमा वित्त मंत्री, इत्यादि। की जानकारी जनता तक पहुंचाना। मीडिया का दायित्व है जनता तक पहुंचाना, मीडिया का दायित्व है। लिख लिया ना? अब देखो मीडिया का काम ये हो गया ना तक। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, अभी मीडिया हो, क्या हो? मीडिया। अब कल आज नहीं तो तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, जब ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो तुम प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, और जैसे तुम प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो ये समझ जाओ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी नीतियों का क्रियान्वयन करा जा रहा उसे निर्धारित करना, उसकी रूपरेखा को जनता तक पहुँचाना, समझ आई बात है? और उसके अंदर जो जन समस्याएँ हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाने का कार्य ये भी मीडिया का ही होता है, जो कि मीडिया के अंदर नहीं होता, समझ में आया बात है? अगर किसी भी जिले के अंदर ना कुछ तमाम प्रकार बड़ी घटनाएं हुई तो जवाब डीएम से मांगा जा, इतना आसान पद नहीं होता डीएम का, समझ में आया बात है? देखो ये देखो मीडिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो मीडिया, लिख जाने मीडिया प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण हेतु, मीडिया प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण हेतु, मीडिया प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण हेतु। अरे भाई प्रशासनिक नीतियां बनानी तो निर्धारण हेतु, मीडिया प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण हेतु नवीनतम तकनीक जानकारी उपलब्ध करवाता है, नवीनतम तकनीक जानकारी उपलब्ध करवाता है, नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। ठीक। अब जो लोक नीतियां बनाई गई उन पर जो जनता की प्रतिक्रिया है उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किसका होगा? ये किसका होगा? मीडिया का होगा। अब देखो कृषि बिल बनाए गए थे, अब कृषि बिल लोगों को अच्छे नहीं लगे, आया समझ में, लोगों ने आंदोलन कर दिया, मीडिया ने पूछा घर जाकर बताओ कैसा लगा तुम, लोक नीतियाँ बनाई गई लोक नीतियों दूसरे फिर जनता जनता की जो प्रतिक्रिया आई उन सरकार को बताया गया, तो ये काम मीडिया का तो हो, समझ में आई बात? यह कि लोक नीतियाँ जो बनाई गई थी उन पर जो प्रतिक्रियाएँ आई ना उन प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुँचाने का कार्य भी मीडिया का ही होता। लिखो इसी पॉइंट में लिखो, लोक नीतियों पर आने वाली जन प्रतिक्रियाओं को, लोक नीतियों पर आने वाली जन प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी मीडिया ही करती है, लोक नीतियों पर आने वाली जन प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी मीडिया ही करती है, और बताओ मीडिया क्या क्या काम हो, मीडिया में जो तुमने महसूस करा रियलाइज करा अंदर से बताओ। जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित होती रहती है जैसे चाइना और उसका रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, आया समझ में, उसे तुम किन्ने बताया? इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो उनकी जानकारी को जनता तक उपलब्ध करवाने का कार्य भी किसका हो? मीडिया का ही हो। लिखो अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त विदेशों में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके अतिरिक्त विदेशों में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, घटनाओं, महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं का प्रसारण भी किया जाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं का प्रसारण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशों में घटित होने वाली घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं का प्रसारण भी किया जाता है। घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं का प्रसारण भी किया जाता है। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में ना, अगर तुम जानोगे, वर्तमान समय में एक शिक्षक की भांति कार्य करता है, सिखाने का कार्य करता है मीडिया, क्योंकि जानकारी प्रोवाइड कराता है ना, और तो टीचर भी तो जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। समझ नहीं बात यार, वर्तमान समय में जो मीडिया ना, जनता की आवाज़ है एक प्रकार से। किसकी आवाज़ है? और सरकार की भी आवाज़ है, उनके बीच में, दोनों के बीच में मध्यस्थ नहीं आए। समझ नहीं बात यार, लिखो अगला पॉइंट, वर्तमान समय में मीडिया जनशक्ति कोमा जन शिक्षा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर माननीय है। वर्तमान में मीडिया जनशक्ति कोमा जन शिक्षा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मान्य है। क्योंकि यह अपने विचारों के माध्यम से सामूहिक कल्याण हेतु अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सामूहिक कल्याण हेतु अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अतः वह एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करता है। आज का मीडिया जनता के लिए सांसद है। समझाया ना मैंने, सांसद का काम करता है। आज का मीडिया जनता के लिए सांसद है, क्योंकि यह जहां एक ओर जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक पहुंचाता है। आज का मीडिया सांसद है क्योंकि यह एक ओर जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। दोबारा सुन लो, आज का मीडिया सांसद है क्योंकि यह जहां एक ओर जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक पहुंचाता है, जहां एक ओर जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर
सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। सब समझाए तुम? लिख लिया ये बातें सब, तुम्हें निबंध में भी काम आएंगे, याद रखना सब बातें। ठीक, ये मीडिया की पता क्या है भूमिका? अब तक हम मीडिया की भूमिका पढ़ी है। वहीं दूसरी ओर सरकार की जानकारी, सरकार की नीतियों में कार्यक्रमों की जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। एक बार सुन लो पहले ध्यान से, सरकार की नीतियों या कार्यक्रमों की जानकारी को जनता तक पहुंचाता है, ये लिखना। हेडिंग क्या बनाए भाई? समीक्षा। और समीक्षा कौन थी? कौन नहीं बोल रहा है? समीक्षा कौन थी भाई? धन्यवाद आपका। पिछली थी अब समीक्षा का मतलब पता क्या हो क्या रहा? ये तो मीडिया का काम बताया तुम्हें, मतलब ये तो बताया मीडिया का दायित्व है। 5-6 पॉइंट आराम से लिख लेना इसमें। मतलब मीडिया का जिम्मेदारियां पूछा तब भी यही है, मीडिया की भूमिका पूछा तब भी यही पॉइंट डालने पड़ेंगे तुम्हें। इसका मतलब जो मैं तुम नोट्स बनवा रहा हूँ ना, मीडिया के बारे में कुछ भी हो यही लिखना और बार बार इसे ही पढ़ना। समझ नहीं पाती? समझ लो, कल तुम एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसके अंदर मीडिया के अंदर कुछ भी आ जा तो वहाँ से एक दो ही पॉइंट निकाल के इसके अंदर चिपका लेना बस, छोटे छोटे से पेज पे लिख के चिपका लेना, एड ऑन कर लेना। एक आधी कोई रिपोर्ट हो मीडिया के बारे में उसे चिपका के चिपका लेना। समझ नहीं बात? अपना यही कंटेंट डालना, इससे क्या अपने नोट्स को अपडेट करते रहना। जितने भी टॉपर बने हुए ना, वे सारे इस तरह करते हैं। उससे रिलेटेड आया कोई ई गवर्नेंस से संबंधित कोई रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आई आर्टिकल में कुछ अच्छी बात लगी हुई, इतने से पेज पर लिखा, उठा के अपने नोट्स पर चिपका दिया वहीं से। बार बार रिविजन हुई करना अपने, फिर समझेंगे पढ़ना हुई, ताकि उसे लिखने में आसानी होगी। बार बार लिख दो, तुम एक बार लिख रखा हो आया समझ में, नया कंटेंट पढ़ोगे और बार बार नया पढ़ते हो तो प्रॉब्लम। इसलिए ही तुम्हें यहाँ ये ट्रेडिशनल क्लास, परंपरागत क्लास दी जा रही, ताकि तुम्हारा जो कंटेंट हो कम करा जा सके। समझ में, कंटेंट को कम करा जा सके। लिखोगे यही बार बार और बहुत अच्छा लिखोगे किसी दिन। समझ बात है? लिखते रहोगे लिखते रहो, इतनी दूर निकल जाओगे लिखते लिखते, पता भी नहीं चलने का तुम कि लिखते लिखते तुम आज कहाँ पहुँच चुके। पेन नहीं रुकना चाहिए, जिस दिन पेन रुक गया ना उस दिन कठिनाई पैदा हो जाएगी। सही बात है? उनसे सोच रहे उस दिन पतन शुरू हो चुका। जिस दिन तुम्हें लग रहा ना कि अब तो तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी, समझ जाओ तैयारी उस दिन तो शुरू हुई। समझ नहीं बात है? ठीक ठीक। सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीट एनी टाइम, कभी भी। मैंने कहा न्यूज़पेपर ना डेली दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना। अगर हम फीवर भी हो रहा ना, हम लिख नहीं सकते, लेकिन मोबाइल फोन में एयरफोन लगा कर देख सकते हैं। तो दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, आया क्या न्यूज़पेपर में। सही बात है? द हिंदू जैसे अखबार को पढ़ गए ना, हम दुनिया के कोने कोने में घूम आए। ये समझ लो द हिंदू जो पढ़ रहा, बच्चा पढ़ रहा है ना बैठ कर, हिंदी इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर रहा बैठ कर, ये यूट्यूब से देख रहा, ये समझ लो पूरी दुनिया के बारे में पढ़ रहा हो। उसे आज के वर्तमान समय में ना सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी है, समाज के अंदर कौन कौन सी समस्याएं, राजनीतिक समस्याओं के बारे में जागरूक है। ये सब काम ही मीडिया का ही तो। समझ में आया बात? यह वो सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में जानकारी है। इन प्रेजेंट टाइम ये कंसर्न इशू इस टाइम पे ये इशू चल रहे हैं, ये मुद्दे, यही तो जागरूक होना हो। समझ आई बात? यार अगर एडिटोरियल नहीं पढ़े तो बर्बाद हो जाओगे। 2-3 अखबार पढ़ाते हैं तुम्हें, बिजनेस आयन का, इंडियन एक्सप्रेस का, उसके बाद द हिंदू का अखबार पढ़ाते हैं। नहीं वहां से पढ़ रहे तो कहीं और से पढ़ लो, एडिटोरियल नहीं आता, लेकिन पढ़ना जरूर। समझ पढ़ना ही जरूर। तो न्यूज़पेपर जिस बच्चे की आदत होगी ना पढ़ना, वो जीवन में कभी मार नहीं खाने का। यूपीएससी इज ए न्यूज़पेपर, यूपीएससी एक न्यूज़पेपर है। अगर तुम, मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे बच्चा दिखा दूँ जिन्हें पूरे साल भर सिलेबस नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं, उसने सिर्फ न्यूज़पेपर उठाया, उसे उठाया, उसकी हेडिंग निकाटी, उस पर जाकर उसकी गहराई तक पहुँचता चले जाएगा, सर्च कर 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 बेसमंत्र गूगल तक डाटा निकाल कर लिखा, रिपोर्ट निकाल ली, आर्टिकल निकाल ले, 4-5 पॉइंट निकाल ले, उसका नोट बनाकर न्यूज़पेपर पढ़कर पास हो गए। पूरे साल भर उन्होंने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, तैयारी में आए थे, उन्हें पता लगा कि पूरा पेपर तो न्यूज़पेपर से आ रहा। जब न्यूज़पेपर आ रहा तो न्यूज़पेपर मेहनत करी उसने एक साल तक, और ये न्यूज़पेपर से ही नोट्स बनाए। समझ आए? ऐसे भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें जिन्हें पूरे साल भर सिलेबस नहीं पढ़ा। समझ में आया बात? क्या मेरे को पता कौन थे जो नौकरी छोड़ गए, ऐसे बाहर थे जो नौकरी छोड़ गए थे, या इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हो न्यूज़पेपर, वही तो बताएगा तुम अपडेशन क्या हो रहा है भारत के अंदर, चल क्या रहा है इन प्रेजेंट टाइम। अगर वही नहीं पता तो फिर का मतलब तुम तो आधे दूर है इस उम्र में आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा, इसलिए तो तुम आर्टिकल पढ़ाया जा। तो उसे दिल लगा कर देखो,
गाना सुनो, दिल लगा बेलिया चांदनी रात में, तारे चुने हुए तो गाना सुने तुमने, चलो सुन लेना कर जाकर। लेकिन अब हो क्या रहा, मीडिया का काम, मीडिया का काम, मीडिया का तो पता लग गया। मैंने कहा न्यूज़पेपर को कभी नहीं छोड़ना, बहुत मन लगा देखना संतुष्टि के साथ, कुछ हो या ना हो बस देखो न्यूज़पेपर तो कभी ना छूटा हुआ हो। द हिंदू जैसा अखबार है, इस पर नहीं पढ़ रहे तो दूसरे चैनल पर जाकर पढ़ लो, एक के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दूसरे पर देख लो द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे इन हिंदी, किसी और का देख लो, क्या इतना तो जानकारी होगी, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तुमने यहाँ क्लास में सुना हुआ नहीं मुझसे, सब सुने हुए, पूरा संविधान बता दूंगा, यानी कुछ भी पढ़ागा ना तो तुम्हारी सब समझ में जाने वाला। इकोनॉमिक्स की मैंने तुम्हें जानकारी देखनी, मैंने इंटरनेशनल में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा, सही बात या तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो तुम्हारी समझ में आने का। जियोग्राफी तुमने पढ़ रखी, वर्ल्ड जियोग्राफी समझ में आया बात या? अरे ट्वेल्थ पढ़ते पढ़ते तुम 7-8 महीने बीत चुके, 5-4 महीने तो बीत चुके होंगे, 6 महीने बीत चुके, तो बस तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है, उसके सब समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत जिस दिन इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया उस दिन के बाद हो चाहे कुछ पढ़ा दो वही समझ में आएगा, कुछ भी पढ़ा दो वही समझ में आएगा। अभी एक गवर्नेंस की क्लास ले लो, उसके बाद हम क्लास लेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, आंतरिक सुरक्षा की जो क्लास हो उसे लेंगे, उसके बाद आपदा प्रबंधन की क्लास लेंगे, और आपदा प्रबंधन की क्लास लेने के बाद हम जाएंगे बड़े सिलेबस ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बताऊँ तुम्हें क्या क्या बदला हो चुका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, भेड़ बढ़ जाएंगे इन्वायरमेंट पर, सही बात है। एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने की, सिर्फ अपने नोट्स में उठाया इतनी सी हेडिंग काटती पेज पर, 4-5 पेज रखे अपने पास, ये रिपोर्ट मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, इसे मैं कहीं भी लिख सकते हूँ, मुझे लिखने का सोर्स प्राप्त होगा, अपने नोट्स में जाकर चिपका दिया, और बार बार उसका रिवीजन करो जा रहे, बस रिवीजन करो जा रहे। एक दिन तुम इतने फास्ट बन जाओगे, तुम्हें किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन दे दिया ना तुम्हारा पेन रुकनेगा नहीं, अगर तुम्हारे पास नोट्स होगा तो अपना, समझने की बात है। किसी भी टॉपिक पर तुम्हें सवाल दे दिया, महिलाओं से संबंधित सवाल देते हैं, तुम्हें पहले इतनी जानकारी होगी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा आराम से 10-12 लाइन निकाल कर जबरदस्त तरीके से लिखोगे, चार्ट आर्टिकल रिपोर्ट ये सब चीज़ें तुम्हारे स्पेशल याद होगी, यही कलाकारी सीखनी है, फिर पहली पहली बार के में सिलेक्शन होगा, समझ आए, फिर आत्मा की तरह भटकने की जरूरत नहीं है, इन फर्स्ट टाइम यू कैन सिलेक्ट, ठीक, इन द फर्स्ट टाइम यू कैन सिलेक्ट ओनली वन टाइम्स, यू कैन फर्स्ट टाइम एंड फुल एफर्ट यू टू, तुम्हें सिर्फ पहली बार के में पूरा एफर्ट डाल देना चाहिए जाकर, देखे जाके जो होगा, 1 साल तो सब भूल जाओ, 1-1.5-2 साल तक, सही बात है। अगर तुम 2 साल की तैयारी करने वाले तो तुम 2 साल ऐसा दो जबरदस्त तरीके से कि तुम्हारा इतिहास ही लिखा जाए, इंसान क्या नहीं कर सकता सोच लो तुम, सब कर सकता इंसान, मेन चीज़ है बस गाइडेंस की, और दूसरे नंबर पर लगातार बस मेहनत करते जाने की, जो नहीं है ना वो भी मिल जाएगा, अगर मेहनत करना छोड़ दिया ना तो जो है ना वो भी भाग जाएगा, समझ पाया बात, तो लगातार मेहनत करने से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ नहीं हटता, ना गरीबी ना भूखमरी, ये सब बहानेबाजी का शिकार है, जिसकी बंदे के अंदर लगन होगी ना उसे पता है मैं पढ़ने वाला हूँ, उसके लिए उस दिन वही सब चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा। पहले नंबर पर एक चीज़ और लगन, बस करना, जो किसी ने नहीं करके दिखाया मुझे करके दिखाना, मुझे भारत में फर्स्ट रैंक लेकर आनी, हिंदी मीडियम आए तो कोई फर्स्ट रैंक नहीं ला पाया, पहले नंबर पर आने पूरे भारत के अंदर आज तक, तो मैं तो फर्स्ट रैंक ला कर दिखाऊंगी, ला सकते हो, ठान लिया ना, अबे फर्स्ट नहीं आगे तो सेकेंड आ जाएगी, और सेकेंड नहीं आगे तो थर्ड आ जाएगी, सोच बना के चलो ना, समस्या बताऊँ उनकी ना हो, समस्याएं उन्हें हो जिनके पास कोई गाइडेंस वाला नहीं होता, जैसे हम थे, हमारे पास कोई गाइडेंस वाला ही नहीं, तुम्हें तो पता पहले ये चीज जानी तरीके से पहले सिखा दिए, ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखना लेकिन डेली पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर एग्जाम की जान है, याद रखना बात यार, समझ आई बात यार, यूनी घर कुछ हो रहा चल रहा हो, बाहर कुछ हो रहा, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा एक ही काम है, चाहे कुछ हुआ या नहीं हुआ न्यूज़पेपर देखना ही देखना, चल क्या रहा, समझ आई बात यार, कुछ दिनों बाद में 1/2 घंटे की न्यूज़ लगाने वाला हूँ कि पूरे दिन में क्या क्या न्यूज़ हुई, मोदी जी कहाँ गए, प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे, मैं थे, वित्त मंत्री ने क्या क्या किया, वो संसद टीवी बताऊंगा, वो भेजूंगा तुम्हें लिंक, 1/2 घंटे पूछूंगा चल क्या रहा, तो तुम्हें वैसे मोटे मोटे तरीके से साधारण तरीके से याद रखेंगे, लिखना नहीं कुछ भी, वैसे ही हो क्या रहा, समझ में आया बात है, तो न्यूज़पेपर इस एग्जाम की जान हो, समझ में आया बात है, अगर लिखना आएगा ना तुम, और एक बात और सुन लो, यहाँ तुम लिखना सीख रहे, और जिस दिन तुम पीसीएस में बैठ गए, जिस दिन तुम्हारे सामने पीसीएस चलाया, एक ही रैंक मारोगे, 2 नहीं आने की सीधी, पेपर तुम्हारा फिर इंतजार कर रहा है, ये सारा नोट्स वहाँ काम आएगा तुम, समझ बात है, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने के बाद ये सारा नोट्स वहाँ काम आएगा, पीसीएस ऑफिसर आसान बात नहीं होता, सही बात, लोगों की मुद्दतें बीत जाती हैं इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचने पर, अब हम ना एक पीढ़ी सुधार कर जाते, आने वाली 7-8 पीढ़ियाँ सुधार कर जाते हैं, उनका सबका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तुम अकेले बंदे कामयाब नहीं होने के लिए तुम कामयाब होगे, तुम्हारी गली कामयाब होगी,
तुम्हारा घर कामयाब होगा, तुम्हारे टीचर का नाम होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का नाम होगा, जो भी लोग तुम तो रिलेटेड थे ना, चाहे वो दुश्मनी क्यों थे ना, उनका भी नाम होगा। क्या? हाँ, सबका नाम होगा, सभी रिश्तेदारों का नाम होगा। सही बात यार, तुम ऐसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो जिस जो तुम्हारे ना राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाला, और तुम्हारे अंदर जिगरा ना भेजा, और तुम रात रात भर लिखने की क्षमता तुम्हारे अंदर है मौजूद, और तुम्हें लिखने का शौक चढ़ चुका, तो उसका मतलब पूरी रात तुम लिखते लिखते गुजार सकते हो, और जब गुजार सकते हो ना, तो फिर एक रैंक तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो कोई नहीं करके दिखाया ना, तो तुम वो करके दिखाओ ना, तुम्हारे पास तो मौका मौका भी है, दस्तूर भी है, तो लगा दो बस। जब भी मौका मिला ना, तो चौका लगा दो। एक रैंक आई नहीं किसी की आज तक हिंदी मीडियम में, समझ आई बात यार? हर साल लगती है इंग्लिश मीडियम वालों को, समझ में आ बात यार? क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में लिखने से बात, और खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि की तो किसी की भी नहीं आई। इरा सिंगल थी, इरा सिंगल सर्च कर लेना जाकर, इतनी घाटी थी वो, उसके पे उसका और ना ऐसे चलो आईएएस अधिकारी, वो फर्स्ट रैंक करती थी, वो फर्स्ट रैंक करती 2013 की होगी शायद, 2013 के आसपास की फर्स्ट रैंक करती वो। उसका इंटरव्यू देखना इरा सिंगल का जाकर, कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने मन में ठान लिया तो एक बार, कोई भी। बस एक ही बात याद करना, कभी भी ना अपना लक्ष्य नहीं बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो चाहे जिंदगी खराब हो, आबाद हो, बर्बाद हो, कोई मतलब नहीं है, अब तो करना तो यही करना, बस बात खत्म। ठीक, मेरे पास समस्याएं हैं, ये है वो हो, एक ही चीज़ की टेंशन लेनी बस, दुनिया में किसी चीज़ की टेंशन लेनी, अपने सिलेबस की और उसके रिविजन की। अगर इसके अलावा तीसरी टेंशन जिस दिन लेनी शुरू कर दी ना, इसे मन जाओ पतन उस दिन ही शुरू हो जाएगा। समझ में तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, इस सिलेबस के अलावा और सिलेबस को याद करने के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई तीसरी टेंशन है ना, तो इसका मतलब तुम्हारा यूपीएससी में कोई काम नहीं है, आज ही छोड़ दो, तुम बर्बादी की तरफ जा रहे हो, नहीं तो। समझ में आया बात यार? इन दो ही टेंशन होने चाहिए तुम्हारे पास, ट्यूशन का काम पूरा, दूसरा ये सारा पक्का होना चाहिए सब टोटल। मैंने ट्यूशन भी नहीं दिया ना पढ़ने खातर, तब भी तुम्हारे अंदर इतने रेगुलर होने चाहिए, पेज के पन्ने पलटने, जो कॉपी के पन्ने से पलटने की आदत हो कि पूरा कर, पूरा तो मुझे ही करना। ठीक, ये जो भाई जी पढ़ा रहे हैं क्लास पर, ये तो सिर्फ एक माध्यम है, और यूपीएससी एग्जाम नहीं है, इम्तिहान। क्या? और इम्तिहान की तैयारी ना खुद करनी पड़ती है, सही बात है। यहाँ ना एग्जाम में बाद में पास होना पड़े, पहले जिंदगी में पहले पास होना पड़े, इतना बड़ा एग्जाम हो, और चीज़ों को ना इग्नोर करना सीखना पड़े। घर वाले कुछ कह रहे हो, आसपास पड़ोस से कुछ कह रहे हो, नहीं समझ लो, सहनशीलता बना लो, क्योंकि एक दिन, एक साल में, एक दिन में एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, कि आज तुम रिजल्ट दोगे, आज तुम एग्जाम दोगे, और कल को क्लियर हो जाएगा। सही बात या? एग्जाम दोगे, अगले 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए उसका, एग्जाम देने 25 दिन के अंदर, सबसे फास्ट प्रोसीजर इसका, हर साल एग्जाम हो, ये भी खास बात है, तुम्हारे अंदर समझो हर साल एग्जाम होगा, इसका मतलब नहीं है कि पंचवर्षीय योजना 5 साल बाद आ रहा है, हर साल एग्जाम होगा। समझ में आई बात या? लेकिन एक रूल और भी है, पहली बार के में किसी का निकलता नहीं, लोग ये बताते हैं 3-3 साल तैयारी करने के बाद, सोच लो कितना डेडिकेशन के साथ करना पड़ता, पढ़ना पड़ता होगा। लेकिन एक रूल ये भी है, ऐसे भी जो सर्च लाइटों में रहकर पढ़े हुए, फिर वे कौन हैं? कहाँ से, कैसे, तो वे कौन है जो सर, रिक्शा वाले का, रिक्शा चालक का बेटा बना, उनका एक ही जगह फोकस था बस, चाहे कुछ भी हो जाए करना, वो रात रात भर लिखेगा, जब भी उसे नींद आती होगी ना, उठेगा सोच चुका नहीं कितना काम रहेगा, चलो पढ़ना शुरू। समझ में आया बात यार? क्या एग्जाम दे सकते हैं हम, अपेयरिंग मंगा है आप, 1 साल होगा आपका बीए का, बीएससी का, तो अगले साल एग्जाम दे देना, इस साल एग्जाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपेयरिंग में भरा जाएगा ना तेरा भी, तू भी एग्जाम देगी इस बार, 21 होगी एग्जाम देगी इस बार, 3rd ईयर चल रहा है, तुझे तो और भी बेनिफिट है, तो तेरा सिलेक्शन भी होता तो तेरा को दिक्कत ही नहीं है। तुम्हारी किस साल नहीं हुई ना, तुम्हारी जिसकी 21 साल हुई ना, वो भी एग्जाम दे सकता है।
हाँ चाहे ग्रेजुएशन के दूसरे साल में हो, मैं अप्रैल में भरवा दूंगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना पता क्या है, चाहे एक साल और रुक जाओ लेकिन एग्जाम दो सिर्फ एक बार, पता लग जाए ना कि अब भी कमियाँ, अब पता लग गया ना कि 80-70% सिलेबस पूरा हो चुका है, 70% सिलेबस कम्प्लीट है मेरा, तो फिर तो बैठ जाओ, बेझिझक होगा फिर ना, टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। समझ में आया बात ये, पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखकर अंदाजा लगा लो कि ये प्रश्न मेरे ना लेवल के है और समझ में आने शुरू हो चुके मेरे ही हैं, और जिसे भी समझ में टच करना स्टार्ट कर दिया ना प्रश्नों को पढ़ने के बाद, लिख के उसके अंदर क्या लिखा हुआ, नीचे प्रश्न का उत्तर पढ़ दो, वो समझ में आ रहा, इसका मतलब ये प्रश्न पत्र मेरे लेवल के हैं। अब तुम जो जो छोटा मोटा लेवल हो ग्रुप सी डी, वो तो तुम बहुत पहले पीछे छोड़ चुके, एक साल होने वाला तुम एक साल पढ़ाई करते करते, समझ में आया बात यार, वो छोटा मोटा जो लेवल था पीछे छोड़ चुके तुम, अब चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए, समझ में आया बात यार, अब तो आंखों में आंखें डाल के दगा करना सिलेबस की। ठीक चलो, समीक्षा के अंदर लिखो पॉइंट, समीक्षा के अंदर लिखो पिछले 3 दशक से क्या लिखो, पिछले तीन दशक से पिछले 3 दशक से आर्थिक उदारीकरण एवं बाजारी अर्थव्यवस्था के प्रसार के कारण, पिछले 3 दशक से आर्थिक उदारीकरण एवं बाजारी अर्थव्यवस्था के प्रसार के कारण एवं बाजारी अर्थव्यवस्था के प्रसार के कारण मीडिया मुनाफा अर्जित करने के दृष्टि से कार्य करता है। अर्थव्यवस्था के प्रसार के कारण मीडिया मुनाफा अर्जित करने के दृष्टि से प्रसार के कारण मीडिया मुनाफा अर्जित करने ये सब अब जब मुनाफा देखता है मीडिया, समझ आई बात है, मुनाफा अर्जित करने कार्य करता है, मुनाफा अर्जित करने के दृश्य से कार्य करता है। दूसरा, मुनाफा अर्जित करने के दृश्य से कार्य करता है। ठीक, इसमें लिखो ये पॉइंट, इसी कारण वह आज अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्व से अलग हो रहा है। इसी कारण वह अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्व से अलग हो रहा है। राजनीतिक सामाजिक दायित्व से अलग हो रहा है। दूसरा पॉइंट अब लिखो, अब जो मीडिया हो इस पर पेड न्यूज के आरोप नहीं लगते, भ्रामक प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। लिखो, कई अवसरों पर मीडिया पर आरोप लगाए गए कि पेड न्यूज के कारण
कि पेड न्यूज के कारण, कौन सी न्यूज, पेड न्यूज के कारण, पेड न्यूज के कारण क्या लिखा, पेड न्यूज के कारण मीडिया के द्वारा, पेड न्यूज के कारण मीडिया के द्वारा गलत, पेड न्यूज के द्वारा मीडिया के द्वारा गलत एवं भ्रामक, गलत एवं भ्रामक, गलत एवं भ्रामक क्या लिखा, गलत एवं भ्रामक सूचना प्रसारित किया गया, गलत एवं भ्रामक सूचना प्रसारित किया गया, तथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया, गलत एवं भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित किया गया तथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया, यस मैम, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया, ठीक। अब बताओ मीडिया का इस टाइम पता क्या हुआ, मीडिया का निजीकरण तो हुआ, प्राइवेट बन गया मीडिया, लेकिन लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ, लिखो इसी कारण, इसमें लिखना इस पॉइंट में, इसी कारण मीडिया का निजीकरण तो हुआ परंतु लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ, इसी कारण मीडिया का निजीकरण तो हुआ परंतु लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ, ठीक। इसलिए कहा जाता है इसमें लिखना पॉइंट में, इसलिए कहा जाता है मीडिया में चर्चा तो होती है परंतु मीडिया की चर्चा नहीं होती, इसलिए कहा जाता है मीडिया में चर्चा तो होती है परंतु मीडिया की चर्चा नहीं होती, परंतु मीडिया के बारे में चर्चा नहीं होती, मीडिया में चर्चा तो होती है परंतु मीडिया के बारे में चर्चा नहीं होती, कितने पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट, जब भी मीडिया के सामने समीक्षा करने को आगे ना चुनौतियों में तुम्हें पॉइंट डालने पड़ गए तो यही पॉइंट डालोगे तुम, मीडिया के अंदर क्या क्या कमियां खामियां क्या क्या दोष है मीडिया के, तो दोषों में यही पॉइंट डालोगे तुम, मीडिया के अंदर क्या क्या आज वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं सामने आ चुकी मीडिया के सामने उभर उभर कर, मीडिया के सामने कौन कौन सी समस्याएं उभर गई, मीडिया में कौन कौन सी समस्याएं उभर गई सामने वर्तमान समय में, यही समस्याएं हैं, ठीक। ये वही तो सपने जब तो सुनने दे रहे, ठीक है। अगर लिखो कितने पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट, ग्रामीण इलाकों की खबरें मीडिया में कम प्रकाशित होती है, बताओ गांव के बारे में कोई दिखा रहा, लिखो ग्रामीण इलाकों की खबरें मीडिया में कम प्रकाशित होती है, ग्रामीण इलाकों की खबरें मीडिया में कम प्रसारित होती है, कम प्रकाशित होती है, ऐसे लिखो कम प्रकाशित होती है, ग्रामीण इलाकों की खबरें मीडिया में कम प्रसारित होती कम प्रकाशित होती है, ठीक। इसमें लिखना चाहिए पॉइंट, इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट घरानों के हस्तक्षेप होने के कारण, कॉरपोरेट घरानों के हस्तक्षेप होने के कारण मीडिया की जवाबदेही कम हुई है,
ठीक, साथ ही साथ इसी पॉइंट में लिखना, साथ ही साथ तनाव एवं संघर्ष के कारण, साथ ही साथ तनाव एवं संघर्ष के कारण संवाद एवं अभिव्यक्ति को कमजोर किया है। तथा आज मीडिया में व्यक्तिगत आधारित आलोचनाएं दिखा देती है। एक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करे जा रहे हैं। तथा आज मीडिया में व्यक्ति आधारित आलोचनाएं दिखाई देती हैं। व्यक्तिगत आलोचनाएं दिखाई देती हैं। समझे? कोई मोदी की बुराई कर रहा, कोई कांग्रेस की बुराई कर रहा, कोई राहुल गांधी की बुराई कर रहा। कितने पॉइंट हो गए? चौथा पॉइंट। देखो, कई बार मीडिया के अंदर ना ऐसी सूचनाओं को प्रसारित कर दिया गया जो देश के लिए आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां दे डाला। समझ रहे बात? या आंतरिक समस्याओं, जो आंतरिक सुरक्षा थी ना, उसको चुनौती दे डाला। ऐसी समस्याओं का लाइव प्रसारण किया गया 2001 में जो संसद में हमला हुआ था। समझ आई बात? या ठीक, 26/11 का जो हमला हुआ था उसका लाइव प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक, यह कठिनाई पैदा करती। लिखो गला पॉइंट। कई बार ऐसी सूचनाओं को प्रसारित किया गया जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कई बार मीडिया में ऐसी समस्याओं को प्रसारित किया गया कई बार मीडिया में ऐसी सूचनाओं को प्रसारित किया गया कई बार मीडिया में ऐसी सूचनाओं को प्रसारित किया गया जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कई बार मीडिया में ऐसी सूचनाओं को प्रसारित किया गया जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जैसे 26/11 संसद पर हमला हुआ, जैसे 26/11 संसद का हमला था। कौन था वो? तो 2001 का हमला था। 26/11 तो मुंबई का था, हमला था मुंबई वाला। तो ये संसद का हमला काट दो, मुंबई वाला लिखो। हाँ, 26/11 मुंबई में आतंकी हमला हुआ। 26/11 मुंबई में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला हुआ, उसका लाइव प्रचार प्रसार किया गया, उसका लाइव प्रसारण किया गया। ये पहला एग्जांपल था इसका। दूसरा एग्जांपल, जैसे सन 2001 में संसद पर हमला हुआ, भारतीय संसद पर हमले का लाइव प्रसारण किया गया। जैसे सन 2001 में संसद पर हमला हुआ, उसका लाइव प्रसारण किया गया। कोई दिक्कत यहां तक? देखो, अपडेशन कैसे हो, सुन लो मेरी बात। जैसे तुम्हें मैंने मीडिया के बारे में पढ़ाया, अपडेशन देखो कैसे होगा। और तुम्हारे टीचर के द्वारा कुछ भी पढ़ाया गया, तुम करंट अफेयर के अंतर्गत तुम मीडिया के बारे में कोई रिपोर्ट आई गई कि मीडिया के अंदर ये समस्याएं हैं, मीडिया ने ऐसा खतरनाक काम कर दिया, मीडिया के अंदर ये बातें, जो पश्चिम का मीडिया वो ऐसा, भारत की मीडिया में ये अंतर,
पश्चिम के मीडिया में अंतर है। तुम कुछ भी लग रहा ना, एक छोटा सा पेज निकालो, इसका ब्लैंक पेपर निकालो, इस तरह करो कोई ब्लैंक पेपर, उसे ना उस पर लिखो, अपने नोट्स खोल कर रखो, तो पता लगा मीडिया के बारे में आया आज, आज मीडिया के बारे में पढ़ा रहे, तो अपना जो तुम्हारा ये सिलेबस होगा ना तुम्हें इसे पढ़ना, उसका सिर्फ सुन लेना, उसमें तो दो चार लाइन काट कर ना, समझ आई बात है, अपने पास अपना तुम्हारे पास जो होना चाहिए गम वगैरह होना चाहिए जिसे तुम चिपका सकते हो, समझ में आई बात है, उस इतना पेज काटा, कटिंग कर ली, उसको वहीं का चैप्टर वहीं चिपका दिया, समझ में आया ना, मतलब क्या करना हो, ऐड कर दिया वहीं से, अब बार बार जब तुम नोट्स का रिवाइज करोगे उसे भी रिपोर्ट को साथ में करोगे, ऐसा करोगे तुम बहुत खतरनाक बन जाओगे, हर टॉपर ऐसे बना हुआ, समझ में आया बात है, क्या करने को, ई गवर्नेंस के बारे में कुछ आया, ई गवर्नेंस के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं, और तुमने पहले आरटीआई के बारे में पढ़ा रहे हैं, आरटीआई पे कोई रिपोर्ट आई और तुम लग रहा है उसे इतने से पेज पर काट कर लिखो, उसका नोट इस तरह बनाओ, इतने से पेज पर काट कर लिखो, इतने से पेज पर काट कर लिखो, उसे ऐसा करोगे और साफ साफ करोगे, उसे अपने नोट्स पर चिपका दो, वहीं से ऐसा अपडेट हो, समझ रहे हैं ना। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, अच्छा अभी भेजना क्या, अच्छा कुछ काम है ना, ठीक है, चलो इस तरफ आना, खाना ना जी, क्या बता रहा हूँ मैं, अपडेट कैसे करना नोट्स को, ए अपडेट को नोट्स कैसे अपडेट करना, यही यू एडिटोरियल पढ़ने का तरीका, अपना नोट्स भी उसे फटाफट उसका मीडिया मीडिया परिभाषा पढ़ो, क्या क्या लाभ पढ़ाई थे में पढ़ो, चुनौतियाँ क्या क्या थी में पढ़ो, बार बार बार, अगर तुमने एक साल में चार बार भी मीडिया का टॉपिक आया, चार बार रिविजन कर लिया, तो तुम तो आराम से लिख सकते हो, और एक बार तुमने टेस्ट दे लिया तो पूरा फुल करके यहाँ लिखा हुआ, तो कहाँ से बच जाएगा तुम्हारे पास क्वेश्चन, और तुम तो रिपोर्ट ही पता लगी खास खास, यही तो हो अपडेट करनी, फिर मुझे चेक कराओ, देखो जी मैं नोट्स अपडेट कर रही हैं, समझ में आई बात, ऐसा नोट्स अपडेट करे, ऐसा करके चिपकाए, किसी भी टॉपर की कॉपी देखोगे ऐसे ही करता हो, जो एक दो साल तैयारी करते करते बीत जाते हैं, समझ में आया, अपने ट्रेडिशनल नोट्स काटता इस तरह, ब्लैंक्स पेपर काटता उसके अंदर लिखता और साफ साफ करके वहीं चिपका देता, समझ में आया बात है, कोई दिक्कत, ये करते हैं, और तुम बता रहा है इस तो कोई हमारा एसडीजी गोल भी प्राप्त होगा, एसडीजी गोल लिखे छोटे से पेज पर उसे वहीं चिपका दिया जाएगा, इससे वाला एसडीजी गोल प्राप्त होगा, समझ में आया ना बात, ऐसा करा जाएगा, ठीक, ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ऐसा करना, मैं ऐसा कभी नहीं करता, समझ में आया बात है, मेरे सब बुद्धि मरा होगा, ठीक, ये उसके लिए जिसका आईक्यू लेवल बहुत कमजोर हो और जिसे बढ़िया रैंक लेकर आना हो, टॉप का रैंक लेकर, जिसे नंबर वन का रैंक लेकर आना, कौन सा, इतना बुद्धि विकसित नहीं है ना तुम्हारी, सारा डाटा तुम दिमाग रख लोगे, इतना बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है ना, छोटा छोटा सा काट के चिपका, नहीं तो तुम्हारा नोट सर्वोत्तम बनागा, अच्छा दूसरे साथ गली करना ना, तो दूसरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ा फिर, क्योंकि जो तुम लिख रहे हैं ना ये टीचर सब टीचर पढ़ा रहे होंगे, अपडेट नहीं करा ना तो फिर कठिनाई पैदा हो जाएगी ना, फिर नंबर कैसे मिलेंगे ना, सुनो ना, समझो ना, हमें तुम क्वेश्चन का आंसर लिखते हो कि कोई रिपोर्ट भी दे रहे, आर्टिकल भी दे रहे, किसी संस्था का नाम भी बता रहे, भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे तुम, और भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में तुम वहां बैठ के लिख रहे, तुम मतलब एसटीजी गोल भी प्राप्त हो रहा है, दोनों को कंबाइन करके लिख रहे, तो तुम्हारा उत्तर दूसरे सर्वोत्तम दिखाई देगा, और ये तो चाहिए, सही बात है, तुम्हें उसे होनी चाहिए कि जो सब लिख रहे जो सबसे अच्छा हो वो चाहिए उसे, वो कैसे होगा, अपना इनपुट डालना पड़ेगा, और अपना इनपुट कैसे डालोगे, न्यूज़पेपर पढ़कर डालोगे, तो जो भी टॉपिक आगा ना आने वाला, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, अगर तुमने पॉलिटी में पढ़ रखा है ना तो पॉलिटी में जाकर चिपकाओ, गवर्नेंस में पढ़ रखा है तो गवर्नेंस ऐसा टॉपिक इस सब तक अपडेट हो, समझ में आया बात है, तो ऐसे ही करना बस बिल्कुल, और उसके अंदर तो एक आधा रिपोर्ट छांट ले करो ना कि ये अलग है, ये मेरे पास ये कंटेंट है नहीं वाला, छोटा सा एक पेज निकाला, एक पेपर शीट निकाला, उसके ऊपर लिखा बस आराम से, बाकी अपना डिटोल पढ़ रहे बैठे हुए, कि यू सोच ले करो जो तुम्हारे पास मॉडल क्वेश्चन है इसका तुम उत्तर लिख सको, नहीं लिख सकते, चाहे तुम कितना भी कंटेंट पढ़ रहे हो फिर बेकार था, अगर तुम उसका पर्सन का उत्तर नहीं लिख पाए, चाहे तुम हजार प्रकार की कथा कहानियां पढ़ रहे, क्वेश्चन एडिटोरियल को पढ़ते वक्त एक बात सोचनी, इस तो जो मैं लिख सकती हूँ क्या क्या लिखे जाएंगे, पर्सन किस तरह का बनेगा, पर्सन इस तरह का बनने वाला, क्योंकि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना सीखना पड़ेगा, समझ नहीं बात है, ठीक, कि मेरे किसी काम का नहीं है, इस पर चक्कू फेर दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक, तो हमारा मीडिया की भूमिका पड़ी आज, अपन कल हम नया चैप्टर पढ़ने वाले होंगे, इससे भी खतरनाक वाला, समझ में आया, क्वेश्चन तो रहा।